जब आपकी स्टेट खराब हो जाती है, आपका इमोशन खराब होता है, आपको स्ट्रेस होने लगता है, तो आपका माइंड आपकी स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, आपकी लर्निंग स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो जाते हैं, एक केमिकल इंबैलेंस आ जाता है जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स जो आपका स्टोर हाउस है, न्यूरॉन्स यानी कि आपकी मेमोरी को स्टोर करने वाले वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, एक अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और आप अपनी मेमोरी याद नहीं रख पाते. दिस इज द ओनली रीजन. यानी लर्निंग जब भी आप क्यूरियोसिटी में करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो आप बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं. एक ऐसे इवेंट को याद कीजिए जो आप बहुत एक्साइटमेंट में सीख रहे थे, और कई बार आप देखते हैं कितना जल्दी से सब हो जाता है और आपको लगता है इतना जल्दी आप सीख गए, लेकिन वहीं पर एक चीज जिससे आपको डर लगता है और उसको जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं. किया है कभी ये एक्सपीरियंस लाइफ में? दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड. इस स्टेट ऑफ माइंड को सही रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा हमेशा खुश रहिए तो लाइफ में खुशी आनी शुरू हो जाएगी. कंडीशंस मत लगाइए लाइफ पर. अगर आप कंडीशन लगाएंगे ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे. फर्ज कीजिए मैं यहां बहुत ही सीरियस मूड में बैठकर आपको कुछ सिखाऊं तो आप बोर नहीं हो जाएंगे. अगर कोई सीरियस टीचर ऐसे आके सिखाए तो कितनी देर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, कितनी देर आप सीख पाएंगे, सोच कर देखिए. यही होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड और इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी लर्निंग पर. जब भी आप अच्छी क्यूरियोसिटी से उन चीजों को सीखेंगे तो आपका माइंड डिफरेंटली बिहेव करता है और चीजों को ग्रैब करने में आपको आसानी होती है.